दशम श्रेणीर दा बलप्रेम शीर्षक कविताटो कवि जॉन बेरीमेनर द्वारा रचित। कविताटोर माध्यमेरे कविये लरा एजने तेव खेली थका बल एटा हेरुवाय कि प्रतिक्रिया प्रदर्शन करे आरु केने सुख अनुभव करे ए विषये वर्णना करिसे। नमस्कार, मैं दिगंत। आज आमि दा बलप्रेम शीर्षक कविताटो शारी अनुसारे समले व्याख्या करिम। कविताटो भालदरे बुझि पोৱাৰ पिছত एमसीक्यू प्रश्न, छुटी प्रश्न एनुका जिकुनो प्रश्नोत्तरबोर लिखिबले सहज हब। भिडिओटो सम्पूर्ण करि शेषलेके चाइ भालदरे बुझि लबा। भिडिओटोर पर उपकृत हले भिडिओटो लाइक आरु शेयर करिबा। चेनेलटो जदि सबस्क्राइब करा नाइ दरकारी आरु तथ्य समृद्ध भिडिओ नोटिफिकेशन पाबोले चेनेलटो सबस्क्राइब करि लवा। तोमालोके किताबखन उलियाइ लवा। मोर लगे लगे चाइ गले भालदरे बुझि पाबा आरु शब्दर अर्थबोर लिखि लबा पारिबा। कविताटोक आमि चारिटा स्टेन्जात भाग करि लम, तेतिया तोमालोकर बुझिबोलै बेसी सहज हब। प्रथमते आमि एकेबारे उपरत थकाखिनि बुझि लওঁ। ए बय लुजे जे बल। एजन लराय एटा बल हेरुवाइसे। हि इज भेरी आपसेट। तेव बर दुखित बा विचलित होइसे। ए बल डाज नट कस्ट माच। एटा बलर दाम बेसी নহয়। नर इट इज डिफिकाल्ट टू बाय एनादार बल। आनकि बल एटा किनाटो कठिनो নহয়। व्हाई देन इज द बॉय सो आपसेट। तेन्ते क्यों इमान विचलित होइसे। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंग्स हेज बीन लस्ट। कविये कि हेराय गइसे बुली भावे कविताटो पढ़ा। एंड व्हाट द बॉय हेज टू लार्न फ्रम द एक्सपिरियेन्स अफ लुजिंग सामथिंग। आरु किबा एटा हेरुवार अभिज्ञतार परा लराजने कि शिकिब एखिनि बुझि लोवा। एजन लराय बल एटा हेरुवाइसे तार बारे तेव बर विचलित होइसे। एटा बलर दाम बेसी নহয়, आनकि बल एटा किनाटो कठिनो নহয়। तेन्ते तेव क्यों इमान विचलित होइसे। कविताटो पढ़ा आरु बुझि लोवा। कविये कि हेराय गइसे बुली भावे आरु किबा एटा हेरुवार अभिज्ञतार परा लराजने कि शिकिब। इयार परा निश्चय अलप हलेओ धारणा एटा करिब पारि ए कविताटो कि विषयर ओपरत रचना करा होइसे। बोला एटा कविताटो पढो। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हेज लस्ट हिज बल। एतिया लराजने कि करि आसे जिये तेवर बलटो हेरुवाइसे। व्हाट इज हि टू डू। आई सॉ इट गो। कि तेव कि करिब मैं इटो गुसि जुवा देखिसिलु। मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन। आनंदरे उठानामा करि रास्तारे तललै आरु तार पिছত। मेरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। आनंदरे हिपारे तातेई पानीत। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बल्स। कोৱাৰ কোনো কাম নাই ও আন বলবোৰ আছে। এতিয়া শব্দৰ অৰ্থবোৰ মন কৰিবা। লষ্ট মানে হেৰুৱা, মেৰিলি আনন্দৰে, বাউন্সিং উঠানামা কৰা বা জপিওৱা, ডাউন মানে তলত, নো ইউজ মানে কামত নহা। এতিয়া এই ষ্টেঞ্জাটো অসমীয়ালৈ ভাঙনি কৰি বুজাই দিম, তোমালোকে মন কৰিবা। এই কবিতাটোত এটা সৰু লৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। ডেকা জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ শিকিছে যে बहुत प्रिय सम्पत्ति अर्थात निजर बल हेरुवाई दुख अनुभव कराटो केनेकुवा हय। इयात बलटोए तेवर शैशवर मधुर स्मृतिबोर प्रतीक। लराटोए निजर बलटो हेरुवाई रास्तारे पानीत उफरी जोवाटो चाइ थाके। आमार बारे बल हेरुवाई पेलुवाटो सामान्य परिणतिर, किन्तु सरू लराटोर बारे हेया आसिल एक मूल्यवान बस्तु बा सम्पत्ति। इयात कविये आन बल आसे बुली कबोलै निजके बाधा दिए कारण लराटोएओ एकेटा बल उभताई पाब बिचारे। बलटो तेवर लगत बहु दिनरे परा आसिल आरु इयार सहिते तेव खेला दिनबोरर स्मृतिर सहिते इयार सम्पर्क आसिल। लराटोर बलटोए तेवर शैशवर दिन आरु खुशी निर्दोषताक मूर्त करि तुलिसे। पिछर स्टेन्जाटो मन करिबा। एन आल्टिमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक चूड़ान्त शोकर कपनिये लराटोक स्थिर बा जठर करि दिए। एज हि स्टेन्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। जेतिया हि अचल हो ठिय हो थाके कपि आसे तललै चाइ आसे। अल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर खुएर। तार सकलो सरुकाলৰ दिनबोर बन्दरলৈ ग'ल जत हिज बल वेन्ट। आई वुड नट इन्ट्रुड अन हिम। तेवर बलटो गुसि গৈছিল, মই তেওঁৰ ওপৰত অনুপ্ৰৱেশ নকৰিলোহেঁতেন। এ ডিম এনাডাৰ বল ইজ অৰ্থলেছ। এটা ডিম আন এটা বল এইবোৰ সকলো মূল্যহীন। শব্দৰ অৰ্থবোৰ মন কৰিবা। আল্টিমেট माने चूड़ान्त, शेकिंग कपनी बा जुकारी जोआ, ग्रीफ माने खुब, फिक्सेस स्थिर करा बा जठर, स्टेन्स ठिय हुआ, रिजिड, अनमनीय, ट्रेम्बलिंग कपनी स्टेरिंग लगे चाय थका यंग डेज शैशवर दिनबोर बा लरालिर दिनबोर हार्बर माने बंदर इंट्रिउट माने अनुप्रवेश डिम टकार मूल्य डिम हल टकार सरू मूल्य एक डिम माने 10 सेंट एनेदरे 100 सेंट हले एक आमेरिकान डॉलर है वर्थलेस माने मूल्यहीन जेतिया सरू लराटुए निजर बल हेरुवाई पेलाय इ उफरी गई बंदरत अवतरण करे लराजने निजर बलटो हेरुवाई बर अशांति पाय आरो हुकत डूब जाय लराजने बलटोले चाय जथर होय ठिय होय आछे आरो कपि आछे बलटो बिचारि नापाय म्लान पानीर माजले चाय लराजने विचलित होय परिसे लराजने बलटो हेरुवाई गभीरभावे प्रभावित होय कारण बलटो तेवर लगत बहु दिनरे परा आछिल जेतिया बलटो पानीत उफरी परे तेतिया तेवर शैशवर दिनबोर सकलो स्मृति तेवर सन्मुखत जिलिकी उठे यार फलत एटा उपलब्धि हय जे ठीक हेराय जोवा बलटोर दरे सेइ मुहूर्तबोर आरो घुरी नाहे यार उपरिओ कबिये लराजनक आन एटा बल किनिবলৈ टका आगबरुवा नाय कारण सेइ समयत सेइटो मूल्यहीन हब 3 নম্বৰ स्टेन्जाटो चोवा नाउ हि सेन्सेस फार्स्ट रेसपन्सिबिलिटी एतिया तेव प्रथम दायित्व अनुभव करे इन ए वर्ल्ड अफ पसेशन पिपुल विल टेक सम्पत्तिर जगतखनत मानुहे लब बा ग्रहण करिब बल्स बल्स विल बी लस्ट अलवेज लिटिल बॉय बल बल सदाय हेरा जाब सरू लरा ए नो वान बाइस ए बल बेक मानिस एक्सटार्नेल आरो कोनेउ बल उभटाई किनिब नोवारे टका हल बाहिक शब्दर अर्थबोर मन करिबा सेन्सेस माने अनुभव करा रेसपन्सिबिलिटी माने दायित्व पसेशन सम्पत्ति एक्सटार्नेल बाहिक माने जार सहित कोनो आवेगिक अनुभूति नाथाके लराजने बलटो विचारि नापाय म्लान पानीर माजले चाय विचलित हय सेइ समयते तेवर जीवनर प्रथमतो दायित्वबोध हय कबिये কৈছে जे बल हेरुवा घटनार परा लराजने शिकिছে जे বস্তুবাদী জগতখনত তেওঁ অনেক বস্তু হেৰুৱাবৰৰ ঠাইত আন কিছুমান কিনিব আনহাতে আন কিছুমান বস্তু তেওঁ কেতিয়াও ঘূৰাই নাপাব এই কবিতাটোত লৰাজনৰ বলটোৱে লৰাজনৰ শৈশৱৰ দিনবোৰৰ আৰু সুখী নিৰ্দোষতাক মূৰ্ত কৰি তুলিছে ইয়াত কবিয়ে লৰাজনক নিজৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে বুজিবলৈ বাধ্য কৰাইছে কিয়নো হেৰুৱাটো অখাৰ টকা বাহিক কাৰণ এই স্মৃতি কিনিব নোৱাৰে আমি ভালপোৱা বস্তুবোৰৰ ঠাই ল'ব নোৱাৰে প্ৰকৃততে गुरुत्वपूर्ण बस्तुबूर ठाई लब नारे जेने धरा तुमलोके एतिया सरू होय आसा तुमलोकर मनले आहे जे आमी डांगर हले फाल हब जेतिया डांगर हबा तेतिया मनले आहिब जे सरू थाकोते फाल आसिल डेका अवस्थात प्रवेश करार लगे लगे शैशव गुसि जाय आरो मन गलेओ आगर सेइ शैशवले घुरी जाब नारे कबि इयात बलटोर छबिरे आरो बलटो हेराय जोवार छबिरे एइटुके बुझाबले चेष्टा करिसे समयर लगे लगे आमार जीवनलै परिवर्तन आहिब किछुमान समय पार होइ जाब आको नतुन समय आहिब किन्तु जीवर समय पार हो जाब सकलोबोर टकारे किनिब नारे बा पुनर घुराई पाब नारे टकारे धरा आमी बजारर परा किछुमान बस्तु बा सामग्री किनि आनिब पारो किन्तु मरम सेने आवेग एइबोर जानो किनिब पारि शेषर स्टेन्जाटो चोवा हि इज लार्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज तेव शिकिसे तेवर हताशजनक चकुहाলৰ आৰত दिस एपिस्टेमोलजी अफ लस हाउ टू स्टेन्ड आप सतीरे ज्ञान विज्ञान बा ज्ञान तत्व केनेকৈ ठिय হ'ব লাগে নয়িং হোৱাট এভৰি মেন মাষ্ট ওৱান ডে নো প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এদিন যি শিকিব এণ্ড মষ্ট নো মেনি ডেজ হাউ টু ষ্টেণ্ড আপ আৰু বেছিভাগে বহু সময়ত জানে কেনেকৈ ঠিয় হ'ব লাগে শব্দৰ অৰ্থবোৰ মন কৰিবা লাৰ্ণিং মানে শিকি থকা বিহাইণ্ড পিছফালে বা আঁৰত ডেছপাৰেট হতাশজনক এপিষ্টেমলজি মানে জ্ঞান তত্ব বা জ্ঞানবোধ কবিয়ে বৰ্ণনা কৰে যে বল হেৰুৱা ঘটনাৰ পৰাই লৰাজনে সম্পত্তিৰ জগতখনত থিয় হ'বলৈ শিকিছে লৰাজনে শিকিছে কিবা এটা হেৰুৱাৰ অৰ্থ কি কবিয়ে কৈছে যে কেনেদৰে ক্ষতিৰ পিছত প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে পুনৰ থিয় দিব লাগে বুলি জানে লৰাটো হেৰুৱাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ আৰু স্বৰূপ বুজি পোৱাৰ পিছত পুনৰ থিয় হৈ ক্ষতিবোৰ এৰি যাবলৈ শিকিব কবিয়ে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যে আমি আমাৰ কিছুমান বস্তু হেৰুৱাবলৈ আৰু জীৱনত হ'ব লগা ক্ষতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ শিকিব লাগে মাজে মাজে কিছুমান মূল্যৱান সম্পদ হেৰাই যাব আৰু সেইবোৰ টকাৰে পুনৰ ঘূৰাই পাব নোৱাৰে কিন্তু সেইবুলি আমি হতাশ হ'লে নহ'ব ভাগি পৰিলে নহ'ব আমি সময়ৰ লগত খোজ মিলাই আৰু জীৱনত হ'বলগীয়া পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে নিজকে খাপ খুৱাই আগুৱাই যাব লাগিব আমি কবিতাটো আলোচনা কৰিলোঁ তোমালোকে বুজি পালা নে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবা তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ সিলেবাছত থকা প্ৰতিটো গল্প আৰু কবিতাৰ সাৰাংশ শাৰী অনুসাৰে অসমলে ব্যাখ্যা পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ ছুটি প্ৰশ্নোত্তৰ এমচিকিউ প্ৰশ্নোত্তৰ দীঘল প্ৰশ্নোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সকলো দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰ গ্ৰামাৰ আৰু ৰাইটিং সেকশন एनेबूर विषय बहुतो भिडिओ प्रस्तुत कर पृथके प्लेलिस्ट बनाई थैसो। डेस्क्रिप्शन लिंकबूर आसे, तुमलोके भिडिओ चाबा। आजिले भिडिओ इमानते एरिलो। ये भिडिओ बंधु बान्धवीर लगतो शेयर करिबा। भिडिओटोर विषय निजर मतामत दिबोले नापाहरिबा। अति सोनकाले आन एटा आकर्षणीय विषयৰ সৈতে पुनर लग पाम। धन्यवाद।